You can only fit 15 in a team, so unfortunately sometimes somebody has to miss out. शेखर धवन के लिए टीम इंडिया के दरवाजे बंद। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और कप्तान रोहित शर्मा ने दिया बड़ा संकेत। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2023 के लिए 17 सदस्य भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम इंडिया की घोषणा किए जाने के बाद चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और कप्तान रोहित शर्मा ने कई सवालों के जवाब भी दिए, जिसमें से एक सवाल शेखर धवन को लेकर भी किया गया और इसका जिस तरह से अगरकर ने जवाब दिया उसके बाद यह साफ हो गया कि अब धवन का टीम इंडिया के लिए रास्ता पूरी तरह से शायद बंद हो चुका है। एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया की घोषणा किए जाने के बाद जब अजीत अगरकर से शेखर धवन के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि धवन पिछले कुछ वर्षों से भारत के लिए शानदार रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ईशान किशन हमारे पसंदीदा ओपनर है। वहीं रोहित शर्मा ने भी कहा कि धवन भारत के लिए लंबे समय तक ओपनिंग करते रहे हैं, ऐसे में मैं ओपनिंग करूंगा और विराट कोहली तीसरे नंबर पर खेलेंगे, ऐसे में बदलाव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अजीत अगरकर और रोहित शर्मा की बातों से साफ लग रहा है कि धवन के लिए फिलहाल टीम इंडिया में दोबारा से एंट्री करना आसान नहीं होगा। शेखर धवन लगभग 38 साल के हो चुके हैं और उन्होंने भारत के लिए आखिरी वनडे मैच 10 दिसंबर 2022 को खेला था। दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट की शानदार खबरों के लिए आप हमारे इस क्रिकेटी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें।